सीतापुर में अपराध द्वारा अर्जित की गई 6,50,00,000 की संपत्ति हुई कुर्की। यूपी के सीतापुर में जिला अधिकारी अनुज सिंह के निर्देशों में आपराधिक कृत्य द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की 6,50,00,000 की कुर्की सीओ सिटी पीयूष कुमार, सदर एसडीएम कोतवाली नगर व प्रशासन द्वारा पुलिस चौकी नेपालापुर क्षेत्रांतर्गत भूमाफिया रमन साहनी पुत्र पेशावरी लाल निवासी लक्ष्मी मार्केट तामसेनगंज थाना कोतवाली नगर सीतापुर के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। वहीं सीओ सिटी पीयूष कुमार ने बताया कि आगे भी आपराधिक प्रगति द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का जब्तीकरण किया जाएगा। शेष बच गई है उसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश से आज ये संपत्तियां जो जिनकी कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए है वो कुर्क की जा रही है। सभी संबंधित आसपास के लोग सभी सब साधारण सूचित हो ले कि रमन साहनी की जिस संपत्ति पे ये बोर्ड गाड़ा जा रहा है, जो थाना कोतवाली नगर के गैंगस्टर हैं, पहले भी इनकी तमाम संपत्तियां जब्त की गई थी। प्रशासन द्वारा पुनः जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि इनकी तमाम अज्ञात इनके नौकर के नाम से, इनकी पत्नी के नाम से और इनके परिवारजनों के नाम से तमाम संपत्तियां थी। पता करने के बाद इस सारी संपत्तियों को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया जा रहा है और सभी पर बोर्ड लगवाया जा रहा है। शेष कुछ संपत्तियां इनकी और बची हुई हैं, जिसके बारे में भी पूर्ण जानकारी प्रशासन कर रहा है और करने के बाद तत्काल उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। रमन साहनी की संपत्ति जब्तीकरण हुआ है, कितने की संपत्ति है, क्या पूरा मामला है? देखिए, जनपद सीतापुर में रमन साहनी एक जनपद स्तर पे भूमाफिया के रूप में चिन्हित थे। इनके विरुद्ध कई आपराधिक कृत्य जमीनों पर कब्जा करने के संबंध में दर्ज हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी पूर्ण कार्रवाई की जा चुकी है। इसी कड़ी में इनके द्वारा आपराधिक कृत्यों से जो अचल संपत्ति अपने नाम से, पत्नी के नाम से, परिवार के सदस्यों के नाम से और नौकरों के नाम से बेनामी संपत्ति के रूप में अर्जित की गई है, इसी के जब्तीकरण की कार्यवाही लगातार चल रही है। पूर्व में भी इनकी कई अचल संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में आज ग्राम कड़वा चिलेला और नेपालापुर में लगभग 20 बीघे से अधिक जमीन, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 6.5 करोड़ रूपये के आसपास है, वो जब्त किया जा रहा है। थैंक यू। क्या इसके आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी? हाँ, ये लगातार चलने वाली कार्रवाई है। हम इनकी अचल संपत्तियां, चल संपत्तियां जो इन्होंने अपने नाम से, अपने नौकरों के नाम से बेनामी संपत्ति के रूप में अर्जित की हैं, इनके चिन्हांकन की कार्रवाई चल रही है। भविष्य में अगर और संपत्तियां प्रकाश में आती हैं तो उनको भी इसी प्रकार से कुर्क किया जाएगा।